इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ दौरे पर उसको बड़ी सौगात दी। उन्होंने प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ को दिया, जिसकी नींव रखी गई। और साथ साथ मुख्यमंत्री ने मेरठ में पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान किया। सीएम योगी ने मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जो प्रदर्शन किया है वो अब तक का बेहतर प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि मेरठ स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जाता है। मेरठ में बनने वाले स्पोर्ट्स के सामानों की दुनिया भर में डिमांड है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि नोएडा के डीएम सुहास एलवाई और यहाँ के प्रवीण कुमार ने मेडल दिलाए। उनका कहना था कि 19 अगस्त 2021 को लखनऊ में सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था और अब 31 करोड़ रुपए की धनराशि आज सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में दी जा रही है। ओलंपिक में और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जो कार्य किया है, जो प्रदर्शन किया है, वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। और उस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हर भारतवासी का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपने इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का, भारत के गौरव को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अपने सभी खिलाड़ियों का हम सम्मान करें। और इस दिशा आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार को प्रधानमंत्री जी ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित किया है। और उत्तर प्रदेश की अब पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनाई जाएगी। और मेरठ में सीएम योगी ने तमाम पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान किया। इसमें नोएडा के डीएम और बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई का सम्मान किया गया। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लखेरा को भी सम्मानित किया गया। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर सम्मान के वक्त की आप देखिए। मंच पर तमाम बड़े नेता, खासकर केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी आप देख सकते हैं कैसे सम्मानित किया गया। वो दृश्य भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। पैरालंपिक खेलों में टोक्यो के जो मेडल जीते गए खिलाड़ियों के द्वारा, देखिए आप, नोएडा के डीएम सुहास एलवाई भी सम्मानित किए गए। तो टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी का मेरठ में सम्मान किया गया। और उनके नाम आपको बता दें, अवनी लखेरा राजस्थान से हैं। शूटिंग 10 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, 2 करोड़ रुपए की राशि ने दी गई। सुमित अंटिल हरियाणा से एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक, 2 करोड़ की राशि इनको दी गई आज। मनीष नरवाल हरियाणा से ही शूटिंग 50 मीटर रेंज में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, 2 करोड़ की धनराशि इनको पुरस्कार स्वरूप दी गई। ऐसे ही प्रमोद भगत उड़ीसा से हैं, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने के लिए इन्हें 2 करोड़ रुपए। कृष्णा नगर राजस्थान से बैडमिंटन में ही स्वर्ण पदक जीता, 2 करोड़ रुपए। और भविना पटेल गुजरात से टेबल टेनिस में रजत पदक जीता, 1.5 करोड़ रुपए। निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश से एथलेटिक्स में हाई जंप में इन्होंने रजत पदक जीता, 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। ऐसे ही देवेंद्र झाझरिया राजस्थान से एथलेटिक्स यानी कि जेवलिन थ्रो में भाला फेंकने की प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता, 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। योगेश कठुनिया हरियाणा से एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो में रजत पदक इन्होंने जीता, 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि इनको पुरस्कार स्वरूप दी गई। प्रवीण कुमार नोएडा से एथलेटिक्स हाई जंप में रजत पदक जीता, उन्होंने 4 करोड़ रुपए की धनराशि। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु से एथलेटिक्स में हाई जंप में रजत पदक, 1.5 करोड़ रुपए। सुहास एलवाई उत्तर प्रदेश बैडमिंटन रजत पदक इन्होंने जीता, 4 करोड़ रुपए की धनराशि। सिंगराज अगाना हरियाणा से शूटिंग में 50 मीटर में रजत पदक, 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि। सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान से एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंकने की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, 1 करोड़ रुपए की धनराशि। शरद कुमार बिहार से एथलेटिक्स यानी कि हाई जंप में कांस्य पदक जीता, 1 करोड़ रुपए की धनराशि ने दी गई। हरविंदर सिंह हरियाणा से हैं तीरंदाजी में कांस्य पदक, 1 करोड़ रुपए।